लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में कोरोना टीकाकरण को लेकर मनपा की घटिया प्लानिंग का खुलासा हुआ है। जी हां, ऐसे समय में जबकि लाखों नागरिक वैक्सीन की पहली डोज के लिए बेताब है, तब मनपा अपने दर्जनों केंद्रों पर सिर्फ दूसरी डोज का वैक्सीनेशन करवा रही है। हालत यह है कि इन केंद्रों पर दिन भर में 100 से ज्यादा लोग भी नहीं आ रहे। आज बीजेपी युवा नेता निशांत भगत ने ऐसे तमाम केंद्रों का दौरा किया जहां आरोग्य कर्मी नागरिकों के इंतजार में खाली बैठे नजर आए। निशांत भगत ने कहा कि आज जबकि कोरोना महामारी से बचाने पहली डोज का वैक्सीनेशन ज्यादा जरूरी है, ऐसे में मनपा सिर्फ दूसरी डोज कराने में जुटी हुई है, जो समय, पैसा और संसाधन तीनों की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि यदि हर दिन 2000 लोग भी पहली डोज का वैक्सीनेशन कराते हैं तो इससे नई मुंबई में कोरोना को हराने में मदद मिल सकती है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा यह वाशी का विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बैठे आरोग्य कर्मी नागरिकों का इंतजार कर रहे हैं। यहां कोविशील्ड की दूसरी 200 डोज उपलब्ध हैं, लेकिन उसके लिए लोग नहीं आ रहे। यकीन नहीं आता तो सानपाड़ा और जूई नगर समेत इन दूसरे केंद्रों को भी देख लीजिए। आज के दिन यहाँ नई मुंबई में कुल 2600 कोविड वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन जिन 200 लोगों को यह देनी है वे भी टीका लगवाने के लिए उदासीन हैं। हालत यह है कि आरोग्य कर्मी नागरिकों के इंतजार में खाली बैठे समय काट रहे हैं। आज बीजेपी युवा नेता निशांत भगत ने सानपाड़ा और वासी के ऐसे कई केंद्रों का जायजा लिया जहां कमोबेश यही नज़ारा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यह महानगर पालिका के घटिया नियोजन का नतीजा है, जिसकी वजह से समय, पैसा और संसाधन सब कुछ बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी तो यह था कि 2600 वैक्सीन में से 2000 वैक्सीन पहली डोज की मंगाई जाती, ताकि नागरिकों को कोरोना से बचाने में मदद मिलती और संसाधनों का भी सदुपयोग पहली डोज के वैक्सीनेशन में होता। निशांत भगत ने मनपा आयुक्त से इसे तत्काल सुधारने की मांग की है। 2600 डोज हे नवी मुंबईच्या आज क्षेत्रामध्ये प्रत्येक नागरी आरोग्य केंद्रामध्ये किंवा जे लसीकरण केंद्र आहेत त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी 100 किंवा 200 डोसेस त्या ठिकाणी ठेवलेले आहेत, परंतु लोकांचा प्रतिसाद जो आहे तो या ठिकाणी अल्प प्रमाणात आहे। कारण असं तर त्या ठिकाणी 84 दिवसाची जी कालमर्यादा वाढवलेली आहे ही त्यासाठी ड्यूज नवी मुंबईमध्ये फक्त 200 आहेत, पण जम्बो कोविड सेंटर वॅक्सिन सेंटर आपण भेट दिली ESIS हॉस्पिटलला, इथं महापालिकेने विष्णुदास भावेमध्ये पण आपण बघत असाल चांगलं नियोजन केलेलं आहे, चांगला स्टाफ त्या ठिकाणी, कॉम्प्युटर्स आणि डोसेस पडून आहेत, परंतु लोकांचा प्रतिसाद नाही का तर दिवस पूर्ण होत नाही किंवा त्या 84 दिवसापर्यंत कोणाचंही डू नाही। अशा परिस्थितीमध्ये हे जे काही एवढा खर्च केलेला आहे, इथं AC चालू आहे, सगळा स्टाफ बसून आहे, कॉम्प्युटर्स चालू आहे, डोसेस पडून आहेत, याचा जर लाभ नागरिकांना मिळत नसेल तर आपली वेळ, आपला पैसा, आपली मॅनपॉवर आपण सर्वच आपण वाया घालवतो आणि कुठंतरी महापालिकेचं नियोजन ह्या दिवसाचं कुठंतरी चुकलेलं आहे। आणि म्हणून मी हा प्रश्न किंवा हा मुद्दा ह्या आजच्या दिवसाचं नियोजन मी आयुक्त साहेबांसमोर ठेवतो की आपलं नियोजन हे आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून कुठंतरी चुकलेलं आहे आणि ह्या नियोजनामध्ये कुठंतरी अजून पारदर्शकता आणावी किंवा लोकांना याचा लाभ मिळण्यासाठी आपण योग्य ते नियोजन करावं अशी मी मागणी करतो। बताना जरूरी है कि 3 मई से नवी मुंबई में मेगा वैक्सीनेशन शुरू है, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन दी जानी है, लेकिन वैक्सीन की पहली डोज ही उपलब्ध नहीं होने से पूरा अभियान प्रभावित हो रहा है। कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं, जो सेंटर चालू है वहाँ सिर्फ दूसरी डोज मिल रही है, हालांकि उसके लिए भी पर्याप्त जानकारी और जागरूकता नहीं फैलाई जा रही। यही वजह है कि नागरिक चाहकर भी उसका लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं। निशांत भगत ने कहा कि महानगर पालिका कोरोना वैक्सीनेशन के नियोजन में पूरी तरह फेल दिख रही है, इसलिए कोरोना से बचाना है तो इसे तत्काल सुधारने की जरूरत है। आदरणीय गणेश जी नाईक साहेब यांनी मागच्याच मंगळवारी
आयुक्त साहेबांना विनंती केली की नवी मुंबईतील सर्व नागरिकांना मोफत लसीकरण करण्यात यावं म्हणून मागणी केली, आणि जेणेकरून नवी मुंबईतला प्रत्येक नागरिक हा सुरक्षित होईल, तो त्याचं लसीकरण झालं तर तो सुरक्षित होईल। परंतु आज तर अशा परिस्थितीमध्ये डोस आपल्याकडे अवेलेबल आहेत परंतु वैक्सीनेशन देऊ शकत नाही, ही नवी मुंबईची शोकांतिका आहे। माझी मागणी आहे की या ठिकाणी 84 दिवसाची आट न ठेवता 42 दिवसाच्या पूर्ण झालेल्या लोकांना लसीकरण करण्यात यावं, आणि ते जर सिस्टम ॲक्सेप्ट करत नसेल तर पहिल्या डोससाठी जे 45 वर्षापुढील जे नागरिकांचं लसीकरण झालेलं नाही आहे त्या लोकांना प्राधान्य देऊन या ठिकाणी वॉक इन लसीकरण करण्यात येईल। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।